नेहरू युवा केंद्र पुलवामा की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में यूथ पार्लियामेंट नेबरहुड प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज की खासी तादाद ने शिरकत की। डीडीसी काउंसिल पुलवामा के चेयरमैन सैयद भारी अंदराबी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में नौजवानों को मुल्क की वफादारी, इसकी तरक्की और G20 थीम की जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के आखिर पर कुछ तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। ये नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया है और थीम जो है इसका वो यही G20 प्रेसिडेंसी ईयर जो मुल्क को मिला है, इंडिया को मिला है, हाउ टू इंटीग्रेट यूथ विद जो यूथ में जो ये इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग है, इसको इस थीम के साथ कैसा जोड़ा जाए। जो G20 वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, प्रेसिडेंसी ईयर है जो साल भर चलता रहेगा, यूथ और सोसाइटी के दूसरे सेक्शन जो है उनको किस तरह से इस थीम के साथ जोड़ा। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वीके सारस्वत ने जिला गांधरबल में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मनीगाम में अटल टैंकरिंग लैब का दौरा किया। दौरे के दौरान डॉक्टर ने वहां काम करने वाले तलबा की तरफ से बनाए गए प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा की सताइश करते हुए इन्हें अपने की मैदान में मजीद आगे बढ़ने की तरगीब दी। प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने तलबा की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और जिला इंतजामिया के अलावा दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए। पुलवामा में तकरीबन 19 करोड़ रुपए मालियत की नशावर मंशियात को तबाह किया गया। मंशियात की लानत को खत्म करने की मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा की तरफ से तश्कील दी गई अफसरों की कमेटी ने मुख्तलिफ FIRs में जब्त किए गए मंशियात को जाय किया। कमेटी में मुंसिफ जज और DSP हेडक्वार्टर पुलवामा शौकत रफीक के अलावा तहसीलदार पुलवामा थे। NDPS के तहत जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से जब्त की गई मंशियात को सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा में साइंसी तरीके से जाय किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन जनूबी कश्मीर जहांगीर खांडे ने शोपिया का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों और वालिदैन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हर सरकारी स्कूल को जदीद तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर से फराहम किया जा रहा है। जहांगीर खांडे ने मजीद कहा कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करवाने की सरपरस्तों से अपील की। आपकी डिमांड ये हायर ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हैं, आपकी डिमांड जो है जेन्युइन है, आपकी डिमांड को है गवर्नमेंट सब पहुंचाएंगे। हमारी कहाँ में जो हमारे यहाँ होगा हम भी आपकी तरफ से बात पहुंचाएंगे, लेकिन ये सरकार के है, ये बात से सरकार को पता भी है कहाँ मुझे क्या करना है। तो जब भी जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब भी उनको लगेगा यहाँ वो काली देने हैं तो आपको उस तो हज़ारों बजे मतलब ये सरकार इंशाल्लाह जब सरकार को लगेगा कि यहाँ इसकी ज़रूरत है तो तो सर एक और मसला है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज के बारे में तो हम कर लेंगे। वो रेशनलाइज जो है हर एक स्कूल को अपनी अपनी तादाद के में PTR और CTR के मुताबिक उसको टीचर मिले, लेकिन इतनी इस इलाके को अपने जो के बच्चों के हिसाब से क्लासों के हिसाब से उनको टीचर मिलेंगे। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।